गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी 6:18 हो गए हैं शाम के। सो अभी मैं आया हुआ था बड़खेड़ा, हाजीपुर के पास है बड़खेड़ा। तो मैंने जैसा कि पहले व्लॉग में बताया, रामपुर कुंडल का जो टूर्नामेंट था उसके बारे में बताया, अपनी टीम के बारे में। तो अभी यहाँ पे देखिए कितना शानदार और भव्य मंदिर है, और काफ़ी अच्छा मंदिर बना रखा है। चारों तरफ पार्क है बैठने के लिए, और बहुत ही अच्छा मंदिर है। और गाइस रीज़न भी है यहाँ आने का, क्योंकि यहाँ पे ना खेल बंद था, यहाँ पे शूटिंग वॉलीबॉल का, तो ग्राउंड वगैरह पहले बना हुआ था और एक टूर्नामेंट भी हुआ था यहाँ पे। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हुआ था, 11,000 का फर्स्ट प्राइज था, जिसमें कि इंडरी टीम विनर रही थी और सेकेंड टीम उमरा की रही थी। बाकी काफ़ी अच्छे मैच लगे थे, और चकदे भाई भी आए थे और भी काफ़ी टीमें आई थी। तो उसी ग्राउंड को फिर से स्टार्ट कराने के लिए मैं आया हूँ आज यहाँ पे, ये कारण रहा है अहम। चलिए अभी वो ग्राउंड भी दिखाऊंगा, पहले तो दर्शन कर लीजिए मंदिर के। तो चलिए वो ग्राउंड दिखा देता हूँ, और आज स्टार्ट करा रहा हूँ उस ग्राउंड को। नया नेट वगैरह लगाएंगे, और जो भी है पोल वगैरह लगा के मिलाता हूँ सभी प्लेयरों से जो भी है यहाँ पे। अभी चलिए देखते हैं। और यहाँ पे मंदिर के सामने से रेलवे लाइन भी जा रही है, ये देखो अलवर वगैरह जा रही है ना, वो रेलवे लाइन यहीं से गुजर रही है बड़खेड़ा गांव से। और इसके राइट साइड में है ये हाईवे, ये देखो भाई, जो कि बल्लभगढ़ जा रहा है, केएमपी से जुड़ रहा है ये हाईवे। तो काफ़ी रोड वगैरह बना दिए हैं यहाँ पे ना, ये देखिए। चलिए अभी ग्राउंड पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। हाँ तो गाइज अभी मैं आ गया था ग्राउंड पे, जो ग्राउंड स्टार्ट कराना है अभी मुझे। तो ये पोल लगा हुआ है उधर, और एक पोल अभी लगाया है ये। तो मेरे साथ हैं अभी बड़खेड़े से सौरभ है मेरे साथ, और भी अनुज भाई है। तो अनुज इधर आ जा। तो सौरभ ये बता मेरे को, यहाँ टूर्नामेंट हुआ था ना एक, हाँ, लास्ट 2019 में, कौन से मंथ में हुआ था? फरवरी 6 तारीख को। अच्छा, 6 तारीख को फरवरी में हुआ था। तो उसके बाद खेले थे इस ग्राउंड में? 2-4 महीने खेले थे, उसके बाद बंद हो गया था, फिर अब स्टार्टिंग कर रहे हैं दोबारा से। अच्छा अच्छा, अब स्टार्ट कर रहे हैं फिर। हाँ, से ना। हाँ। तो अच्छी बात है भाई, दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ, और अब कंटिन्यू खेलना, ठीक है। हाँ, बाकी जो आपके आस पास के गाँव है, जैसे खुटपुरी हुआ, हाजीपुर हुआ, उन्हें बुला लो खेलने के लिए ना वीकेंड पे, जैसे सैटरडे संडे में उनसे मैच लगा लो, आप चले जाओ वहाँ पे। तो उससे क्या है कि ग्राउंड चालू रहेगा ना। तो भाई आज स्टार्ट कर रहे हैं इस ग्राउंड को, शुभारम्भ है दोबारा से, पहले भी खेलते थे यहाँ पे। तो कितने प्लेयर हो जाते हैं गांव में? गांव थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे 20-25 घर होंगे गांव में। 20-25 घर हैं, और 10-12 हो जाते हैं खिलाड़ी। अच्छा, 10-12 में बढ़िया खेलता है। अच्छा अच्छा, 10-12 खिलाड़ी हो जाते हैं जो अच्छे खेलते हैं, मतलब हाथ लगाने आते हैं शूटिंग वाली में। चलो ठीक है, स्टार्ट करो, मैं भी आऊँगा बीच बीच में, ठीक है। और बढ़िया है, खेला करो, पर ये नहीं कि पढ़ाई को छोड़ के बस यही खेलना ही है, ठीक है। पहले पढ़ाई और जॉब, जो भी खेलेगा ठीक है बता देना, और बाकी फिर उसके बाद खेलना है, ठीक है, 1 घंटे शाम को, बढ़िया। और लाइट की व्यवस्था भी कर देंगे यहाँ पे ना। और गाइस आज ही नया नेट लाए हैं, ये देखो नया नेट लगाएंगे, पंप भी नया है, और बॉल पहले ही थी, अभी रेडी करके, और भी प्लेयर आने वाले हैं अभी। और ग्राउंड के साथ में सबसे अच्छी बात है कि भव्य मंदिर है ये देखो, और यहीं से लाइट की व्यवस्था कर देंगे, और सबको स्टार्ट करा के आज जाता हूँ फिर मैं, स्टार्ट कराना है। तो यहाँ पे भी अच्छी बात है, शुरू हो जाएगा ग्राउंड, तो यहाँ पे भी फिर आने वाले समय में टूर्नामेंट का भी योजना बनाएंगे।
लो जी, नेट बंद के तैयार हो गया है और बच्चे खेलने के लिए तैयार है, परंतु मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि एक हफ्ते का रेस्ट बताया ना, तो अभी नहीं खेलूंगा मैं। बाकी और भी प्लेयर आएंगे अभी, तो वो भी दिखाएंगे अगर खेलेंगे तो। चलिए, ये है भोलू। हाँ भाई भोलू, खेलेगा तू भी? खेलेगा है? उठ जाता है।